डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मारूफ अहमद टीचर, क्लास 9th, सब्जेक्ट इंग्लिश। लेसन फ्रॉम टोटो। आफ्टर क्वेश्चंस एंड देयर आंसर, टुडे वी विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन। Use to in the following sentences and make modification whenever necessary। आपको यहाँ पर टू लगाना है, टी ओ टू। तो इस सेंटेंसेज जो जुमले हैं इनमें आपको इसकी मॉडिफिकेशन करनी है जहाँ कहीं ज़रूरी होगा। क्वेश्चन पहला है, द क्वेश्चन वाज सो डिफ़िकल्ट। सो मैंने इतना मुश्किल था, दैट ही कैन नाट सॉल्व इट, के वो उसको हल नहीं, कुड नाट सॉल्व इट, वो इसको हल नहीं कर सका। तो इसका आंसर है, टू की जगह हम लगाएंगे, सो की जगह हम लगाएंगे टी ओ ओ टू। टू का मतलब है इतना मुश्किल, सो की जगह लगाएंगे टू। दैट द क्वेश्चन वाज टू डिफिकल्ट फॉर हिम, क्योंकि सॉल्व कोई दूसरा शख्स कर रहा है, इसलिए उसको हिम लिखेंगे, ही के साथ हिम आएगा। दैट ही द क्वेश्चन वाज सो डिफ़िकल्ट, द क्वेश्चन वाज टू डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू सॉल्व, टू सॉल्व। कैन नाट, कुड नाट सॉल्व की जगह हम लिखेंगे टू, खाली लिखेंगे टू, टी ओ टू। तो क्या बना इसमें, क्वेश्चन वाज टू डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू सॉल्व, क्वेश्चन वाज टू डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू सॉल्व, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी इज़ सो वीक दैट शी कैन नॉट स्टैंड। शी इज़ सो, सो मीन सो की जगह हम टी ओ ओ टू लिखेंगे, टी ओ टू। वो इतनी कमज़ोर है कि दैट शी कैन नॉट स्टैंड, कि वो खड़ी नहीं हो सकती है। तो इसमें हम कैन नॉट की जगह हम टी ओ टू लिखेंगे, तो इसमें ये आ गया, शी इज़ टू, टी ओ टू वीक टू स्टैंड। कैन नॉट की जगह हम टू स्टैंड, वो इतनी कमज़ोर है कि खड़े नहीं हो सकती। नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस इज दिस, ही इज सो क्लेवर दैट ही कैन नॉट बी चीटेड। तो सो की जगह हम लिखेंगे टी ओ ओ टू, यहाँ पे भी टू आएगा, तो कैन नॉट की जगह भी आगे हम टी ओ टू लिखेंगे। तो इसका ये आएगा, ही इज टू क्लेवर टू बी चीटेड, ही इज टू क्लेवर टू बी चीटेड, वो इतना चलाक है कि इसको कोई धोखा नहीं दिया जा सकता। उसके बाद क्वेश्चन फोर है, इट वॉज सो हॉट, ये इतनी गर्मी है, दैट ही कुड नॉट स्टैंड इन द सन, सन मैंने धूप, के वो धूप में खड़ा नहीं हो सकता। इट वॉज सो हॉट, ये इतनी गर्मी थी कि वो धूप में खड़ा नहीं हो पाया, धूप सन धूप स्टैंड खड़ा हो नहीं हो पाया। तो इसका है, इट वॉज टू हॉट फॉर हिम टू स्टैंड इन द सन, इट वॉज टू हॉट, ये इतना गर्म इतनी गर्मी थी फॉर हिम टू स्टैंड इन द सन, के वो धूप में खड़ा नहीं हो सकी। इट वॉज टू हॉट फॉर हिम टू स्टैंड इन द इन सन। क्वेश्चन नंबर आगे है, पांचवा इसका सेंटेंस है, इट वॉज सो डार्क, ये इतना अंधेरा था, दैट ही कुड नॉट सी एनीथिंग, के कोई भी चीज़ वो इसमें देख नहीं सका। इट वॉज टू, सो की जगह हम यहाँ पे भी टू लिखें, इट वॉज सो डार्क, इट वॉज सो डार्क फॉर हिम, फॉर हिम ही है तो ही चेंज इन टू हिम,
कि वो उसके लिए इतना अंधेरा था, इट वॉज सो डार्क फॉर हिम, उसके लिए इतना अंधेरा था टू सी एनी थिंग, कि वो कोई चीज़ देख सके। तो ये जो है आज का जो क्वेश्चन है, यूज टू इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, तो ये आज यहाँ तक ही ख़त्म होता है। पांच इसके सेंटेंस बने हैं, तो होप के आपको ये इसकी समझ आई होगी।